के सोनभद्र में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के सोनभद्र से यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में दर्जनों यात्री घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो बता दें कि घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रही थी बस, उस दौरान यह हादसा हो गया। प्रयागराज संगम स्नान करने जा रहे थे सभी यात्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के सोनभद्र से आ रही है। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी की ये घटना बताई जा रही है। तो यूपी के सोनभद्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। तो बता दें कि हादसे में दर्जनों यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। देखिए, आज दोपहर को हमें सूचना मिली कि मारकुंडी घाटी पर चौपन से रॉबर्टगंज की ओर जो आने वाला रास्ता है उस पर एक बस पलट गई है। और मौके पर पहुंचने पे देखा गया कि लोग घायल हैं और बस पलटी हुई है। 44 लोग कुल लोढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं और सबका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। हमने डॉक्टर से भी बात कर ली है और अच्छी तरीके से सबका इलाज किया जाएगा और सबको अपने गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? बस आ रही थी छत्तीसगढ़ से और ये लोग पितृपक्ष के चलते ये लोग प्रयागराज जाने वाले थे संगम क्षेत्र में। तो इसमें किसी के डेथ होने की सूचना नहीं? ऐसी कोई कैजुअल्टी नहीं है, घायल हैं लोग और यहाँ उपचार किया जा रहा है। ज्यादा गंभीर कोई नहीं है। ड्राइवर ड्राइवर का भी पता नहीं चल रहा है, उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्री क्या बता रहे हैं, किस वजह से ये हादसा हुआ है? बस थोड़ा स्पीड में थी और उसने प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं किया उसको, जिसके चलते बस पलट गई।